जैसे बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि उनको DSSB की जॉब चाहिए, उनको DSSB क्रैक करना है, तो आपकी इसी जर्नी में छोटी सी हेल्प मैं करना चाहूँ सभी से, अपनी DSSB जर्नी को शेयर करके कि कैसे मेरी DSSB की जर्नी रही, कैसे मैंने अपना DSSB का एग्जाम सिर्फ एक महीने में क्रैक किया, सिर्फ एक महीने में, वो भी बिना कोचिंग और वो भी प्राइवेट जॉब करने के। चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। एक्चुअली मैंने जब कॉलेज अपना पास आउट किया, मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पास आउट, आई हैव बीन ग्रोइंग वॉचिंग अदर्स डूइंग दिल्ली गवर्नमेंट जॉब, सो आई नो ऑल दी प्रोज, ऑल दी गुड साइड्स, ऑल दी बैड साइड्स ऑफकोर्स, बट मैं इतने अच्छी तरीके से जान चुकी थी ना कि आई always wanted to grab DSSB की job, this has always been my dream. College pass out किया तब, I don't know मैं किस दुनिया में थी और मैं क्या कर रही थी, और ज़्यादा guidance भी नहीं था और नहीं समझ थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। मैंने 2017 में पास किया है अपना कॉलेज, मेरे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट करवाए गए थे, कैंपस प्लेसमेंट होते थे उस टाइम पे, हमारे कैंपस में अपोलो हॉस्पिटल वाले आए थे, अपोलो हॉस्पिटल जो दिल्ली में आएगी आप सभी को पता होगा, बहुत ही बड़ा अपोलो हॉस्पिटल, सबसे पहला JCI हॉस्पिटल है अपोलो। मुझे लगता है कि जो भी फ्रेशर्स होते हैं वो सबसे पहले अपोलो मैक्स ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं, और इन सब लिस्ट में अपोलो सबसे ऊपर आता है, बट अपोलो का अपना एक अलग ही सच है जो मैं आपको पक्का बताऊंगी कभी, और जो भी इंटर्न्स और पासड आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटरव्यू, जो भी बैठना चाहे इंटरव्यू में वो इंटरव्यू देते हैं, और जिनको भी वो सिलेक्ट करते हैं उनका जो भी क्राइटेरिया है उसके बाद वो तुरंत के तुरंत, मतलब आपको हैंड टू हैंड कॉल लेटर आपको मिल जाएगा, और जो भी उसमें डेट गिवन होगी आपको उससे ज्वाइन करना होगा। मैं भी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई थी, मेरे हाथ में भी कॉल लेटर आ गया था, मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी है ना। घर पे गए, घर पे सबको पता चला, अरे वाह बेटी का कैंपस प्लेसमेंट हो गया, मतलब सब लोग इतने खुश, कुछ समझ ही नहीं, गो विद द फ्लो, और हम पहुंच गए अपोलो। अरे देवा, ये गड़बड़ है। अपोलो पहुंचे, वहां पे यू वुड बी सरप्राइज कि मैंने वहां पे 2 साल काम किया, मतलब मैंने अपनी लाइफ के 2 साल अपोलो हॉस्पिटल को दिया। एंड अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, आप नो सोशल लाइफ, नो पर्सनल लाइफ एंड नो करियर, मतलब आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर से अपोलो हॉस्पिटल ना 2 घंटे दूर था, अगर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी तो आई यूज टू गेट अप एट अराउंड 5:20 और मुझे 6:30 बजे से पहले अपना घर छोड़ देना होता था। 8 to 2 की शिफ्ट होती है वैसे तो, मतलब लाइक ऑन पेपर्स, बट जो रियल लाइफ में ना वो 6 घंटे की शिफ्ट कभी नहीं होती है, 3 से 4 भी बच सकते हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का अपना एक अलग ही प्रोटोकॉल होता है। सो मैं 6:30 बजे घर से निकलती थी और मुझे घर आते आते 5:30 ऐसा टाइम हो जाता था। मतलब मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता मैंने वहां पे 2 साल कैसे सर्वाइव किया, मतलब इतने हेक्टिक स्केड्यूल, इतनी हेक्टिक ड्यूटीज, कोई टाइम नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब आपको पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है, पता नहीं कौन सा जोन था वो जब मैं अपनी प्राइवेट जॉब कर रही थी। ठीक है, जो भी था, मुझे लगता है कि हर टाइम अपनी अपनी एक स्टोरी लेकर आता है और उसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। 2018 में DSSB के फॉर्म निकले थे, मैं जॉब ही कर रही थी अपोलो में, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तो इट वॉज जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है फॉर्म फिल कर दिया। जब मैंने फॉर्म फिल किया तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि हाँ यार ये वाली तो जॉब मुझको चाहिए, बट DSSB को लेकर हमेशा ये वाली चीजें होती है कि बहुत स्लो है, बहुत लेट है, आराम से चीजें होंगी, तो फॉर्म फिल किया और छोड़ दिया। फिर 2019 में थोड़े बहुत नोटिफिकेशंस आउट हुए कि हाँ एग्जाम होने वाला है। मुझे आज भी याद है 30th of August को मेरे एग्जाम की डेट आई थी, 30 अगस्त 2019। आई वॉज टोटली क्लूलेस अंटिल जुलाई तक मैंने कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। तब तक मुझे ऑलमोस्ट अपोलो में 2 साल काम करते हुए हो गए थे, कंटिन्यूअसली मैं वर्किंग ही थी वहां पर। फिर लास्ट में उसी टाइम पे मेरी जॉब मैंने वहां पर छोड़ दी थी, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक रिसर्च में जॉब मिल गई थी जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल थी, बट क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थी तो ऑब्वियसली उससे बेटर थी, तो उसी टाइम पे मैंने वो छोड़कर वो ज्वाइन किया था। एंड अगर मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट मी, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो के लिए कुछ भी बोल रही हूँ, मैंने वो जॉब छोड़ी है अपोलो वाली, लाइक आज मैंने छोड़ी है, 24 आवर रेजिग्नेशन हुआ है मेरा, और नेक्स्ट डे से ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, नेक्स्ट डे से ही, मतलब बीच में एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया था मैंने, नेक्स्ट डे से ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद से यहाँ पर भी आई वॉज वर्किंग कंटिन्यूअसली, उस बीच में मेरा ये DSSB का एग्जाम पड़ा था, तो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है 1st of August को आई वॉज लाइक कि बस अब ये एक महीना मुझे DSSB को देना ही देना है। बिफोर 1st of August मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी सुरूर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस गो विद द फ्लो, जॉब चल रहा है। 1st of August से मैंने
अपनी सारी चीजें छोड़ दी, मतलब फोन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, बट आई वॉज वर्किंग. उस पूरे अगस्त में भी मैंने अपनी जॉब की है. 30th August की मैंने छुट्टी ली थी और बीच में कुछ दिन, 2-3 दिन की मैंने छुट्टी ली थी ऐसे ही बीच बीच में, कि सीएल ले लिया, कभी कुछ ले लिया, बस ऐसे. इसके अलावा एज सच मैंने कोई लीव भी नहीं ली थी उसके लिए. 9 to 4 का उस टाइम मेरा स्केड्यूल होता था. 4 o'clock के बाद जब भी मैं घर पे पहुंचती थी, उसके बाद में पढ़ने के लिए बैठती थी. सो मेरे पास वो 10 घंटे और 15 घंटे भी पढ़ने के लिए नहीं थे, क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होता था. जॉब पे आने के बाद जो भी मेरे पास टाइम होता था उसमें मैं पढ़ती थी. आई वॉज वन ऑफ दोज की 3 घंटे बैठ के मत पढ़ो, 1 घंटा बैठो, बट उस 1 घंटे में ना 2 घंटे की पढ़ाई कर लो. इतना ज्यादा डेडिकेशन दो, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दो. मैंने वो जो 2 साल मैंने अपने अपोलो हॉस्पिटल में बिताए थे ना, उसने मेरे दिमाग में इतना तगड़ा मोटिवेशन भर दिया था ना, कि आई वॉज लाइक कि अब तो मुझे क्रैक करना ही करना है. तो वो टाइम पे मुझे मेरे दिमाग में एकदम इतना सॉलिड सुरूर चढ़ गया था ना, ये इस अपोलो वाली जिंदगी के लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की है, अपने कॉलेज में इतने असाइनमेंट्स, इतनी कॉलेज में भी इतनी क्लासेस, रिसर्च वर्क, इतनी पढ़ाई, इतने एग्जाम्स, ये सब मैंने इसलिए नहीं किया है फॉर श्योर. एंड सैलरी के नाम पे व्हाट अपोलो पीपल वर गिविंग, सिर्फ 15,000 रुपए. क्या बात कर रहे हैं बाबा. डिप्रेशन मोड में मैं आ गई थी एकदम. वो टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बस अब मुझे करना ही करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े. तो दैट 1 month वॉज ऑलवेज अबाउट दैट मोटिवेशन जो मुझे अपोलो की वजह से मिला. तो इस चीज में थैंक्स टू अपोलो, उसने मुझे ये वाला मोटिवेशन दिया, ये वाला सुरूर दिया, तभी आई गेस मैं DSSB क्रैक कर पाई. अब मैं बात करती हूँ अपनी DSSB के लिए. जॉब के साथ हाउ आई स्टडी एंड हाउ आई मैनेज, वो आपको बताना चाहूंगी. भाई सुरूर होना तो बहुत जरूरी है. वो सुरूर जो मेरे अंदर था ना, वो आज मुझे यहाँ तक ले आया है. तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हो ना, तो पहले ना अपने दिमाग में वो सुरूर बैठा लो कि हाँ मुझको करना है. जिस दिन मैं सबसे फर्स्ट डे बैठी थी, शांति से मैंने बैठा, अपने आप से बातें की कि मैं क्या पढ़ सकती हूँ और मुझे किस चीज से पढ़ाई करनी है. मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास कुल मिलाकर 1 महीना है, सिर्फ 1 महीना. तो इस बीच में मैं कोई नई बुक या कोई भी नया सिलेबस नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड ही है. तुम दिन में जितना भी पढ़ो, बट अगर तुम लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे ना, तो वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा. ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता थी कि मुझे लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है, पर जो पढ़ना है वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है. आप लोग मतलब हंसोगे ये बात सुनकर कि मैंने एनक्लेक्स की जो बुक पढ़ी है ना, वो मैंने DSSB का एग्जाम देने के बाद पढ़ी है. मैंने पहले डिसीजन लिया कि उस 1 महीने में मैं PR यादव ही पढ़ूंगी, क्योंकि एक PR यादव ही ऐसी बुक थी उस टाइम तक जिसको मैंने पहले पढ़ा हुआ था, मतलब जिसको मुझे पता था कि मैं इजिली ग्रैप कर लूंगी इस 1 महीने में. और मैंने जिसकी हेल्प ली वो थे मेरे खुद के नोट्स, जो कि मैंने बुक से बनाए हुए थे, मेरे कॉलेज के बुक्स जो कि सभी के पास होती है मुझे लगता है, वो कॉलेज के बुक्स, मेरे खुद के नोट्स और मेरे पास नर्सिंग एक्सपर्ट्स के नोट्स थे. तो ये था मेरे नोट्स का ट्रू सोर्स. ये मेरे जो नोट्स थे थ्योरी के लिए, प्लस MCQs मैंने किए PR यादव की Volume 2 के, जो PR यादव अभी मेरे पास है भी, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी. 1 महीने में, आप बिलीव करें या नहीं करें, उस 1 महीने में, मतलब 30 दिन भी नहीं, 29 दिन थे मेरे पास, क्योंकि 30 को एग्जाम था. उस 29 दिन के अंदर मैंने PR यादव को 3 बार, चौथी बार भी मैं ऑलमोस्ट शुरू कर दिया था, बट वो पूरा नहीं हो पाया था. 3 पूरे कम्प्लीटली मैंने थरली रिविजन किए है PR यादव के. ये था मेरा आई गेस सीक्रेट, ये रहा होगा इसकी वजह से मैं DSSB क्रैक कर पाई. थ्योरी मैंने किया बुक से, अपने नोट से, इनकी हेल्प से लेकर मैंने थ्योरी किया, प्लस मैंने क्वेश्चंस किए PR यादव से. देखिए नो डाउट MCQs आर अ मस्ट थिंग, क्योंकि जो हमारा एग्जाम होने वाला है ना, वो MCQ फॉर्म में ही होने वाला है. यू आर नॉट गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ ऑन अ क्वेश्चन, है ना. हम थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे माइंड में कंसेप्ट्स बैठ जाए और हम MCQs को सॉल्व कर पाए. बाकी ऑल यू नीड टू डू इज टू सॉल्व MCQs ओनली. तो मैंने भी वही किया, मैंने अपना थ्योरी क्लियर किया पहले, मैंने डेली के डेली बैठ के MCQs किए. अगर आप कोई MCQ कर रहे हो, है ना, और आपको कोई भी चीज उसकी नहीं समझ में आ रही है, आप कोई क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो, तो बेटर उस पूरे टॉपिक को थ्योरी में से पढ़ लो, पूरा क्लियर कर लो, फिर आप उसके MCQs में आ जाओ. पढ़ना आपके ऊपर है आप किस तरीके से, बट ऑल यू नीड टू डू इज कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज लीजिए. मैं यही कहूंगी कि लिमिटेड रिसोर्सेज लीजिए, हर चीज पे हाथ मत मारिए कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं. टाइम मैनेजमेंट कीजिए, आपके पास कितना टाइम है. मेरे पास सिर्फ 1 महीना था, इसलिए आई चोज टू रीड 1 बुक ओनली, क्योंकि उसको मैंने पढ़ा हुआ था. मुझे पता था अगर मैं अब कोई टारगेट हाई शुरू करूंगी या फिर सॉन्डर शुरू करूंगी, तो वो मुझे और ज्यादा डुबा देगा. दैट वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट, ये मुझे बहुत अच्छे से पता था. आई गेस ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन मैंने लिया, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कितने क्वेश्चन तो PR यादव से डायरेक्ट आए थे DSSB के एग्जाम में. तो ये मेरा एक सेकंड टर्निंग पॉइंट रहा है DSSB और मेरे सफर के अंदर. तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि DSSB इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल दोज जिनकी मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी स्ट्रांग है. आई हैव बीन वेरी गुड इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सिंस माई स्कूल डेज. आई स्टिल रिमेम्बर मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पर ना लाल बहादुर शास्त्री एक मेरिट हुआ करती थी, जो कि उन स्टूडेंट्स को दी जाती थी जिनके जो मैथ्स में 90+ स्कोर करते थे. एंड
आई वॉज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ दैट स्कॉलरशिप बिकॉज हमेशा मेरे मैथ्स में मार्क्स 90 प्लस होते हैं. मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी खास नहीं. ये मेरा गोल्डन पॉइंट था क्योंकि DSSSB का जो एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के होते हैं. अब अगर मैं सबसे पहले हिंदी इंग्लिश की बात कर लेती हूँ, देखिए हम सभी हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, हम सभी को हिंदी और इंग्लिश आती होती है, तो अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आप हिंदी और इंग्लिश में 10 से 12 मार्क्स आराम से ले आएंगे, तो उसके लिए आप उतनी टेंशन मत लीजिए. रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, आपके पास टाइम है, आप मैथ्स और रीजनिंग की एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं. व्हाट आई डिड वाज, रीजनिंग पे मैंने आज सच कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ. मैंने 45-50 क्वेश्चंस देखे थे रीजनिंग के, वो भी बस ऐसा कि मेरे सामने पेपर खुला हुआ है, मैंने देख लिया ओ अच्छा इसमें ये लॉजिक है, ओ अच्छा इसमें ये लॉजिक है, ताकि मैं थोड़े बहुत लॉजिक्स अपने दिमाग में बैठा सकूं कि रीजनिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. बाद में मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स वॉज माई प्लस पॉइंट जिसने मुझे DSSSB के सफर के और पास पहुंचा दिया था. मैंने बस फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया था, मैं डेली एक दो तीन तीन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेती थी कि हाँ ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मूला हो गया, हाइट एंड वेट का ये हो गया, किलोमीटर्स वाले क्वेश्चंस का ये हो गया, तो मैंने थोड़े से फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए थे. जब मैं एग्जाम स्क्रीन के आगे बैठी थी, जब हम एग्जाम पेपर देने बैठे थे, तो मैथ्स और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब मैंने क्वेश्चन देखा एंड मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया और मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल गया था. तो दैट वॉज माई प्लस पॉइंट इन DSSSB जिसने मेरे लिए वर्क किया. इफ यू आर वन हु वॉन्ट टू अचीव DSSSB तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस दें. नर्सिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, देखिए नर्सिंग तो हर कोई पढ़ रहा है ना. अगर 100 लोग एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो 100 के 100 नर्सिंग को पढ़ेंगे, बट 100 के 100 विल नॉट बी गुड इन मैथ्स एंड रीजनिंग. सो इफ यू आर दी वन जो मैथ्स एंड रीजनिंग को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देता है, तो आपके चांसेस ना बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैथ्स एंड रीजनिंग को ऐसे हल्के में मत लो, उनको इंपॉर्टेंस दो, फॉर्मुलेज पढ़ो, सीखो कि वो फॉर्मुलेज कैसे सॉल्व होते हैं. देखो बहुत ज्यादा हार्ड मैथ्स नहीं आने वाली है, 9th तक की मैथ्स ही आने वाली है आपकी. वो 9th तक की मैथ्स हम सब स्कूल में पढ़ के आए हैं, सो ओनली दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम. मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, आप मेरे जैसे नहीं हो कि आपके पास एक ही महीना, आपको एक ही महीने में सब कुछ करना है. आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए. आप डेली कोई भी एक मैथ्स का टॉपिक ले लीजिए और उसके अपने फॉर्मुलेज रिवाइज कीजिए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि आप वो वाले टॉपिक्स कर पाए. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. मैथ्स एंड रीजनिंग मेरा ऐसा हो गया. और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखो जो DSSSB का जो एग्जाम होता है उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम होता है सिर्फ 2 घंटे. मतलब टाइम आपके पास है सिर्फ 120 मिनट्स एंड यू आर गोइंग टू गेट 200 क्वेश्चंस फ्री, जो कि आपको 120 मिनट्स के बदले में मिल जाएगा. आप एक मिनट एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो 200 हैं. तो अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके पास सिर्फ 36 सेकंड है. तो मैं भी इस तरीके से प्लान करके गई थी एग्जाम से पहले कि मैं एक क्वेश्चन को 30-35 सेकंड दूंगी बस. बट जब हम एग्जाम स्क्रीन के आगे बैठे तो हमें तो पता चला पेपर तो लॉक होने वाला है. मतलब अगर आपका एक सेक्शन खत्म हो गया तो आप दूसरे सेक्शन पे अगर जा रहे हो तो आप पहला वाला सेक्शन नहीं कर पाओगे. हम होता है ना, हम ऐसा सोच के जाते हैं कि चलो हमने ठीक है क्वेश्चन पढ़ा, 5 सेकंड में हमने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आ रहा है या हमें नहीं आ रहा है. 5 सेकंड में हमें पता चल गया अगर हमें आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ गए. टाइम वेस्ट हमें उस पर नहीं करना है. बट ऐसा हो रहा था हमारे टाइम पे, हम आगे तो बढ़ गए बट हम पीछे नहीं जा पा रहे थे. तो जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए वो छोड़ दिए. होता ना कि तुम एग्जाम स्क्रीन के आगे बैठे हो और तुम्हें पता चल रहा है ओ इसकी तो टेक्निक ये है ही नहीं. तो इस वाली चीज ने थोड़ा सा हमारा टाइम खा लिया था. बट आप लोगों के साथ ये नहीं होने वाला है. आपको पहले ही पता चल गया है कि पैटर्न लॉकिंग ही आने वाला है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपना एग्जाम करना है. अपना टाइम सेट कीजिए, मुझे एक क्वेश्चन को 30-35 सेकंड देने हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं देने हैं. ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, 5-10 सेकंड आपको लेने हैं क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने में. ऐसा नहीं बस ऐसे ऊपर 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 ऐसे पढ़ लिया, नहीं, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़. अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, तो ही आप सही आंसर निकाल पाएंगे. ये एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. तो ये था मेरा DSSSB के सक्सेस का सीक्रेट. बिकॉज दिस सक्सेस हैज मेड मी इंडिपेंडेंट, ब्यूटिफुल, वेरी कॉन्फिडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ गुड human being, because my parents are really proud of me and they are happy, and so I am very happy. So follow and share for more such content. Bye bye.